अजय देवगन दोनों ही बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार्स की लिस्ट में गिने जाते हैं। दोनों ने कई धमाकेदार फिल्में की हैं और यहां तक कि दोनों की जोड़ी को भी कई फिल्मों में देखा गया है और ये जोड़ी लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आई है। ऐसा ही एक बार फिर से होने वाला था और दोनों की जोड़ी एक बार फिर से सिल्वर स्क्रीन पर दिखने वाली थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा। दरअसल अजय देवगन और संजय दत्त साल 2012 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म सन ऑफ सरदार के बाद अब इसके सीक्वल सन ऑफ सरदार 2 में नजर आने वाले थे। हालांकि अब खबरें आ रही हैं कि संजय दत्त इस फिल्म से बाहर हो गए हैं, जिसकी वजह से अब इस फिल्म में अजय देवगन के साथ दूसरे स्टार की एंट्री हो गई है। दरअसल संजय दत्त के फिल्म से बाहर होने की वजह यह है कि उन्हें यूके का वीजा नहीं मिल पाया है और उन्हें फिल्म की शूटिंग के लिए वहां जाना था। अब ऐसे में रिपोर्ट सामने आ रही है कि सन ऑफ सरदार 2 में अभिनेता और बीजेपी सांसद रवि किशन को संजय दत्त की जगह कास्ट कर लिया गया है। अब जाहिर तौर पर दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अचानक संजय दत्त को इस फिल्म से बाहर क्यों कर दिया गया। तो आपको बता दें कि साल 1993 में मुंबई बम धमाकों के बाद जब संजय दत्त को आर्म्स एक्ट का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया था तो उन्हें 5 साल की सजा मिली थी। इस सजा को उन्होंने साल 2016 में पूरा कर लिया था। हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार आर्म्स एक्ट के उल्लंघन में गिरफ्तारी के बाद से संजय दत्त आज तक यूके नहीं जा पाए हैं। उन्होंने वीजा के लिए कई बार आवेदन किया जरूर है, लेकिन कभी भी बात बन नहीं पाई है और इस बार भी उनके यूके ना जा पाने का यही कारण बताया जा रहा है। आपको बता दें कि फिलहाल उन्हें यूके का वीजा नहीं मिल पाया है, जिस कारण से बताया जा रहा है कि उन्हें फिल्म में जो है अब ये रोल नहीं मिलने वाला और उनकी जगह रवि किशन को कास्ट किया गया है। गौरतलब है कि साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म सन ऑफ सरदार में अजय देवगन जस्सी रंधावा के रोल में नजर आए थे, जबकि संजय दत्त ने बिल्लू का किरदार निभाया था। दोनों की जोड़ी वाली इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। ऐसे में दर्शक एक बार फिर दोनों की जोड़ी को सन ऑफ सरदार 2 में देखने के लिए बेताब थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। संजय दत्त के इस फिल्म से बाहर होने के बाद अब दर्शकों को दोनों की जोड़ी को सिल्वर स्क्रीन पर देखने के लिए किसी दूसरी फिल्म का इंतजार करना होगा। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि सन ऑफ सरदार 2 की शूटिंग फिलहाल शुरू हो चुकी है और इसमें अजय देवगन के अपोजिट इस बार सोनाक्षी सिन्हा नहीं बल्कि मृणाल ठाकुर नजर आने वाली है। रिपोर्ट्स की माने तो फिलहाल इस फिल्म को स्कॉटलैंड में फिल्माया जा रहा है। गौरतलब है कि 2012 में रिलीज हुई सन ऑफ सरदार एक कॉमेडी एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन अश्विनी धीर ने किया था। सुपरहिट फिल्म में अजय देवगन और संजय दत्त के अलावा सोनाक्षी सिन्हा, मुकुल देव, विंदु दारा सिंह, अजय बाजवा, तनुजा और संजय मिश्रा समेत कई कलाकारों ने अभिनय का जलवा बिखेरा था। वहीं फिल्म के मशहूर गाने पोंपो में संजय दत्त, अजय देवगन और सोनाक्षी के साथ सलमान खान भी थिरकते हुए नजर आए थे, लेकिन इसमें संजय दत्त को यूके का वीजा न मिल पाने के कारण जो है वो इस फिल्म से फिलहाल बाहर हो गए हैं और अब उनकी जगह रवि किशन संजय दत्त के रोल को इस फिल्म में निभाएंगे। We'll be right back.